देसी कलाकार। नमस्कार, मैं हूँ अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। आमतौर पर तो आप लोग हमेशा ही मुझे स्टूडियो के अंदर देखते हैं किसी ना किसी कलाकार के साथ, लेकिन आज मैंने कहा चलो मौसम बहुत अच्छा है, सर्द हो रहा है, तो थोड़ा स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। और मेरा कैमरामैन भी मुझे कह रहा था कि अमोल भाई बाहर चलो क्या आप अंदर ही करते। मैंने कहा चलो भाई बाहर चलते हैं। तो आज ऐसा कहूंगा कि मुंबई को तो माया नगरी कहते हैं, लेकिन नागपुर से भी कई सारे कलाकार बनते हैं और नागपुर से फिर मुंबई जाते हैं और पूरे देश में अपना नाम करते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार से आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ। वो बेसिकली नागपुर से नहीं, मध्य प्रदेश के एक सिवनी से बिलोंग करते हैं और आज से ठीक मैं कहूँगा 10-11 साल पहले वो नागपुर आए, अपनी जर्नी उन्होंने शुरू की और आज एक एस्टैब्लिश सिंगर वो हो गए हैं। मैं कहूँगा कई सारे शोज करते हैं और खास बात हमारे नागपुर के जितने कलाकार हैं वो सभी उन्हें जरूर जानते हैं। तो हमारे साथ आज सियाराम है, तो सियाराम बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आपका शुक्रिया जो आपने मुझे याद किया और आपने समझा कि चलो हमारा भी थोड़ा सा इंटरव्यू ले लिया जाए। और आपका भी काम मैं देखते रहता हूँ, बहुत अच्छा है आपका काम और आप जो सोचते हैं सभी कलाकारों के लिए, तो मुझे लगता है शायद ये आपका दिल बहुत साफ है जो आप सबके लिए इतना नेक समझते हैं, नेक सोचते हैं और आप हमेशा यही अच्छे काम करते जाएं। जितने भी नागपुर के प्यारे प्यारे से कलाकार हैं जो आगे बढ़ रहे हैं या जो नहीं भी बढ़ रहे पर जिनके पास कला है, उन्हें आप मौका देते हैं, उनकी हुनर को परखते हैं और हमेशा उनके साथ आप रहते हैं। और आप खुद भी इतने बड़े बड़े शो करते हैं, मैंने आप हमारे साथ आपने भी बहुत सारे और हमने भी आपके साथ बहुत सारे शो किए हैं, तो मुझे लगता है ये आर्टिस्ट की जो जर्नी है वो धीरे धीरे से शुरुआत होती है। मेरी शुरुआत भी शायद ऐसी ही हुई है, मैं सिवनी में था तो शायद मुझे लगा कि कुछ थोड़ा अच्छा हो जाए तो चलो नागपुर चलते हैं। नागपुर आते आते शुरू में आने के बाद ऐसा लगा कि यार पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में, फिर इसके बाद सब ऊपर वाले की दुआ रहती कभी कभी, तो हमारे ओपी सर जिन्हें हम दिल से मानते हैं और हमेशा मानेंगे, जिन्होंने पहली बार हम उनसे मीटिंग करने के लिए गए तो मैंने दो चार गाना, दुनिया तो दूसरे पिक्चर के गाना गाती है तो मैंने अपने खुद के बनाए हुए गाने उनको सुना दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा यार चलो ये बंदा कुछ नए अपने गाने खुद बनाता, तो वो एक्चुअली खुद ही बेसिकली नए गाना बनाते थे। तो मुझे बोले यार तो एक काम कर हमारे स्टूडियो में ज्वाइन हो जा, शो भी करो, गाने भी रिकॉर्ड करो और लोगों से भी रिकॉर्ड कराओ। तो फिर हमारी शुरुआत वहाँ से हो गई और हमने शुरुआत से बहुत सारे गाने बनाए और इवेंट्स का भी जो हुनर है वो शायद मुझे वहीं से मिला, नहीं तो हमने इवेंट तो कहीं देखा भी नहीं था। शायद 10 साल पहले मुझे पता भी नहीं था इवेंट्स होते क्या हैं, पर मुझे उनके पास आने के बाद बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे शो कैसे होते हैं, एक्चुअली मैनेजमेंट क्या होता है वो उन्होंने मुझे सिखाया और आर्टिस्ट को कैसे रहना चाहिए। देखो आर्टिस्ट बनना बहुत सरल बात है पर आर्टिस्ट शो में निभाना वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात है। आपके ड्रेस अप से लेके आपकी तैयारी से लेके पब्लिक को क्या चाहिए सारी चीज़ें बिल्कुल सोचना पड़ता है। जब सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर होती है, जब पब्लिक क्लैप करती है और जो उसका ऑर्गेनाइज़र है या फिर उसका ओनर है वो आके आपको बुके देता है, खुश हो जाता है, बोले यार बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, तो ये आपकी लगन होती है जो आप दिल से काम करते हो तो वो दिल से ही बहुत बढ़िया हो जाता है। और बनने तो आया था मैं नागपुर सिंगर, बचपन से ही भजन वजन गाता था, फिर इच्छा हुई यार चलो, और मुझे जैसे हमारे उदित नारायण जी मेरे फेवरेट हैं, फेवरेट गुरु ही है हमारे, मैं उनको मैं सब कुछ मानता हूँ और बाकी तो सभी सिंगर मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है, रफ़ी जी, किशोर कुमार जी, सभी को हम बिल्कुल दिल से मानते हैं, सभी के गाने गाते हैं शो में, पर उन्हें पता नहीं मैं दिल से ही मानता हूँ, तो बचपन से उनके गाने सुन रहा हूँ, उनके गाने गाता हूँ। इसके बाद फिर सोचे कि यार चलो खुद का कंपोजिशन करते हैं, तो धीरे 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 फिर खुद के गाने भी बनाना शुरू किए। तो मैंने दो साल पहले एक गाना बनाया था हमारा मन, तो पहले गाने लगभग सभी लोगों को इतना पसंद आया बहुत ज़्यादा, मुझे जैसे माई एफ एम है, रेडियो मिर्ची, उन लोगों ने भी बुलाया पर्सनली इंटरव्यू के लिए, बोले आपका गाना बहुत अच्छा है। फिर बहुत सारे ऐसे शोज इवेंट्स तो हम करते ही हैं पर उस गानों की वजह से फिर और भी अच्छे से इवेंट्स मिलने लगे और अब धीरे धीरे और फिर से शुरुआत ही है कि चलो आगे करते जाएंगे। पहले खुद प्रोड्यूस करते थे, अब प्रोड्यूस करने वाले भी मिलने लगे हैं कि यार तुम अच्छा करते हो चलो हम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अभी मैंने एक लास्ट एक गज़ल बनाया था जो वो एक भंडारा के मेरे दोस्त ही है, दोस्त तो नहीं है पर यूट्यूब से उन्होंने नंबर निकाला मेरा और फिर एक गज़ल मैंने उनके लिए बनाया, सारा उन्होंने शूट किए और जितने प्लेटफॉर्म है आप
जैसे Gaana.com है या JioSaavn है, जितने भी आपके सोशल साइट है सभी में वो गाना है, और यूट्यूब में तो है ही, और अभी उनके और है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं, और मेरे खुद के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू है। बहुत जल्दी मेरा स्टूडियो बनने वाला है, तो स्टूडियो बन जाएगा तो जैसा मैं मेरे लिए सोचता हूँ, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि नागपुर में मुझे जो भी बेस्ट लगेंगे, नागपुर क्या इंडिया में कोई भी बेस्ट लगेगा, तो कोशिश करूँगा कि उसके लिए भी मैं एक गाना बना के दे सकूँ, और उसका मैं चार्ज भी नहीं लूँगा यदि मुझे कोई ऐसा बेस्ट लगता है तो। क्या बात है। तो ऐसे हैं हमारे सियाराम, जिनकी शुरुआत मैं कहूँगा आज से ठीक 2009 में नागपुर आकर शुरू हुई, और जैसे कि बहुत सारे लोगों को ओपी सिंह जी का आशीर्वाद मिला, तो उनमें से एक हमारे सियाराम भी है। सियाराम का पूरा नाम ना बहुत कम लोग जानते होंगे, तो सियाराम तुम्हारा पूरा नाम क्या है? देखो मेरा पूरा नाम तो सियाराम सनोडिया है, बट मैं सरनेम इसीलिए नहीं लाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है सियाराम ही खुद अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि जिसमें सरनेम की मुझे लगता है उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सियाराम के नाम से ही शायद लोगों मुझे जाने। बहुत से लोगों ने बोला भी है कि भाई तेरा नाम चेंज कर ले, बोले ऐसे भगवान के नाम से ऐसा लगता है कि कोई प्रवचन देने वाले आ रहा है, भजन गाने वाले, तो फिल्मों के भी गाने गाने, भजन गाने वाला तो नहीं आ रहा है, पर फिर जब लोग मेरे से फेस टू फेस मिलते तो वो बोलते हैं तुम्हारे नाम से तुम अलग ही लगते हो, बोले नाम तो अच्छा है तुम्हारा, और अभी तो बहुत सारे लोग इम्प्रेस भी होते हैं नाम सुन के, बोले ऐसे नाम आजकल मिलते नहीं है, तो मैंने सोचा यार अभी इसी नाम को आगे करते हैं, और इतनी बड़ी सियाराम कंपनी है कपड़ों की जो इतनी ब्रांडेड है, तो चलो एक म्यूजिक की कंपनी भी आ जाए। क्या बात है। तो आज पहली बार मेरे ख्याल से किसी कैमरे के सामने सियाराम ने अपना पूरा नाम जो है वो बताया। 2009 में जब नागपुर आए थे तो ओपी सिंह साहब ने तो आपको साथ दिया, और भी कई सारे लोग होंगे जो इस सफर में आपके साथ शुरुआती दौर में होंगे, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि कौन कौन वो दोस्त है, आज भी याद है कि कौन कौन उस वक्त आपके साथ? बिल्कुल याद है, जो मेरे उस समय के जो दोस्त हैं जिन्होंने आज भी है मेरे दोस्त वही, जैसे हमारे राजन भाई हैं जो आरजे राजन है, वो पहले से भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक आप हमारे अमोल भाई भी हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनका नाम तो मैं शायद कितने सारे लूँगा तो भी कम है, और अभी मेरे नए में है एक शिवम करके हैं जो कीबोर्ड बजाते हैं, और एक धीरज करके हैं, और भी मेरे गांव के बहुत सारे दोस्त हैं, नाम तो मैं लेने कितने नाम लूंगा, बहुत सारे दोस्त हैं। बिल्कुल, थोड़ा मुश्किल होता है जब हम पूछते हैं कि कितने सारे लोगों का हमारे ज़िंदगी में एक अहम रोल है, अहम किरदार है, क्योंकि जब आदमी बड़ा बनता है या ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो कई सारे लोग जो है उस सफ़र में उसके साथ जुड़ते रहते हैं। मुझे आज भी याद है सियाराम ने एक बड़ा ही खूबसूरत सा दौर लाया था, और सियाराम वो इंसान है जो खुद लिखता भी है, गाता भी है, कंपोज भी करता है, और बीच में संगीत में ट्रेंड आया था कि दूल्हा दुल्हन के लिए ना अलग से गाने बनते थे, आजकल तो हम लोग संगीत में फिल्मों के गाने इस्तेमाल करते थे, लेकिन सियाराम ऐसा बंदा था कि पूरे फैमिली के ऊपर गाना लिखता था, गाना खुद कंपोज भी करता था, गाता भी था, और गाना बड़ा चलता भी था, तो वो कहाँ से आया था दिमाग में, वो उपज कहाँ से थी, और वो बहुत चली भी, ट्रेंड भी हुई और बाद में रुक गई? देखो वो ट्रेड भी हमारा ओपी सिंह सर के ही देन है उनके पास जब मैं गाना लिखने के लिए और बनाने के लिए आया था ना, तो वो ऐसे संगीत के गाना शायद मुझे लगता है 2009 या 10 से ही संगीत का जो ट्रेड है ना वो शुरू हुआ है, उससे पहले संगीत पहले इतना नहीं, लोगों को समझता भी नहीं था कि संगीत होता क्या है, तो मैंने शायद जो शुरू की जर्नी होती है या संगीत एक्चुअली में क्या होता है, वो एक नागपुर क्या पूरे इंडिया के सभी लोग उन्हें जानते हैं ओपी सर को, मुझे लगता है ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा कि उन्हें जाने ना, और जितना खजाना शायद उनके पास है तो शायद किसी के पास हो, वो हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर हीरो सबसे उन्हें वो मिले हुए थे, और वो बहुत अच्छे राइटर भी थे, तो सारी चीज़ मैंने उनके अंदर गहन कर लिया, जो भी लिखते थे वो गलत भी हुआ तो मुझे बोलते, नहीं सही भी करता था ना तो वो मुझे गलत बोलते थे, तूने ये गलत किया है चलो इसे फिर से रिराइट करो, कईयों घंटे घंटे हम उनके साथ बैठते थे फिर राइटिंग करते थे, तो फिर इसके बाद मुझे पर्सनली भी गाने का काम मिलने लगा, अभी कैसे धीरे धीरे लोगों को पता चलते जाता है यार ये भी कुछ कर रहा है, तो मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट धीरे धीरे बनते गए, तो ऐसे गाने शादियों के बनाते गए, एक हमारे कमलेश पांडे हैं उस समय मुझे बहुत शादियों के गाने देते थे वो, तो बहुत सारे मैंने उनके लिए शादी का गाना बनाया, तो शायद मेरी शुरुआत वहाँ से मुझे समझ आ गया था कि मेरे गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं। देखो जिस चीज़ से पैसे मिलने लगता है ना तो ऐसा लगता है वो चीज़ हमारी सफल है, बस अब यही काम करना चाहिए जिंदगी में, हम इसी के लिए बने और कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ के पैसे, वो पैशन, पैशन ही क्या जो आपको पैसे ना दिलाए, राइट। कई सारे सिंगर्स के आपने नाम लिए, और कभी भी जब मैं किसी सिंगर से बात करता हूँ तो शुरुआत जो है वो गाने से करता हूँ, लेकिन आज बातों में हम इतने व्यस्त हो गए कि हमने सियाराम से कोई गाना ही नहीं सुना। फेवरेट सिंगर कौन है सियाराम? देखो मेरे तो उदित नारायण जी हैं, और भी बहुत सारे सिंगर हैं, सोनू निगम जी हैं,
मोहम्मद रफ़ी जी है, किशोर कुमार जी है, मुझे पसंद तो सभी है, जितने भी बॉलीवुड के अच्छे अच्छे सिंगर हैं, नए भी हैं, अरिजीत सिंह भी है, मुझे बहुत पसंद है, पर वन माई फेवरेट उदित नारायण जी है। तो अगर मैं कहूँ कि प्लीज हमारे दर्शकों के लिए, आपके दोस्तों के लिए अगर कोई गाना सुनाओ अभी इस मौके पर, तो कौन सा गाना सुनाओ? गाने तो इतने सारे हैं कि गाने कभी कभी ऐसे लगते हैं कि कौन से गाना गाए और कौन से ना गाए। लाइव शो में हम ऐसे होते हैं कि एक कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि ये गाना तैयार करके गाओ, बाद में पता चल रहा है ये गाना नहीं गाना, आपको वो कोई दूसरा गाना है, तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है। तो मेरा एक फेवरेट गाना है उदित नारायण जी का, मैं शायद हर शो में उनका गाता ही हूँ वो, मतलब मुझे क्या, मुझे लगता है पूरा दुनिया का हर एक का फेवरेट है। तो मैं दो लाइन ऐसे सुनाता हूँ आपको। इन घटाओं में कहीं एक कर दूं समा, और जमीन कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू क्या बात है। मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब भी कोई गायक कलाकार हमारे साथ इस देसी कलाकार प्रोग्राम में आता है, तो जितना मजा हम लोगों को ऐसे एक दूसरे को सुनने में आता है, उससे ज्यादा मजा इन लोगों को लाइव सुनने में आप लोगों को आएगा। अगला सवाल मेरा ऐसा है कि जब हम किसी छोटे शहर से ऐसे बड़े शहर में आते हैं, जैसे नागपुर से भी कोई मुंबई जाता है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। जब आप सिवनी से नागपुर आए, तो क्या क्या वो शुरुआती दौर में मुश्किलें थी जिनका सामना करना पड़ा और जिससे तुम बहुत कुछ सीखे? शुरुआत से तो बहुत सारी समस्याएं मिली घर में, तो मेरा ऐसा लगता है कि हर चीज़ें हैं, आपको मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा घर में हर चीज़ें हैं, मतलब मुझे यहाँ काम करने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। बट संगीत ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ खींच लेके आई, और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, जो भी करूँगा खुद ही कुछ करना है मुझे। तो मैंने फैमिली से सपोर्ट तो मुझे हमेशा मिला, आज भी मिलता है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे किसी से, मतलब फैमिली से खासकर, मैं वो सपोर्ट ना लूँ, और जब भी कोई ज़रूरत रही तो मिलता भी है। और ऐसी मेरी वहाँ से, मतलब यहाँ आने के बाद बहुत सारी समस्याएं हुई, ऑफिसर के यहाँ रहते थे तो उनने एक कमरा दे दिया मेरे को, बोले चले यहीं रह तू, तो उनके स्टूडियो में हम सोए रहते थे, वहीं काम करते थे, मतलब ये सोचो मेरा 24 घंटा में से 15 घंटा वहीं जाता था, तो 4-6 घंटे सो गए तो ठीक ही, नहीं तो उसमें भी फोन आ जाता था, भाई साहब आ जाओ, बोले आप कुछ कर नहीं रहे हो, चलो ये काम करो। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई। फिर इसके बाद मैंने एक टीवी चैनल में भी काम किया, फिर इसके बाद एक वो दीपक बजाज जी हैं, उनके स्टूडियो में भी काम किया। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। और बहुत सारी जगह में जॉब, मतलब जॉब तो करना ही पड़ा शुरू में, बहुत सारी जगह टीवी चैनल में भी है और स्टूडियोस में भी काम करना पड़ा। फिर धीरे धीरे सीख सीख के फिर ऐसा लगा कि यार चलो खुद का काम शुरू करना चाहिए, तो फिर मैंने घर में खुद ने एक होम स्टूडियो बनाया। तो शुरुआत सबसे पहले मैंने अपने गाने से किया कि मैंने अपना पहला गाना बनाते हैं, और उस गाने से लोगों को इतना मजा आया तो सब लोगों ने मुझे काम देना खुद ने शुरू कर दिए। अब मैं तो, मेरा तो गाना मैं बनाता हूँ, लोगों को भी गाना बना बना के देता हूँ। मैं ये कहूँगा कि जब भी आमतौर पर मैं किसी सिंगर के साथ बात करता हूँ या डांसर के साथ, तो मैं उससे जरूर ये सवाल पूछता हूँ कि प्रोफेशनली आपने ट्रेनिंग लिया था क्या, कहीं से सीखा था क्या। तो आपके लिए भी यही सवाल है कि यहाँ आने से पहले आपने किसी से कोई सीखा था
आपके कोई गुरु है या फिर जो भी कुछ है सब भगवान की देन? देखो गुरु तो हर एक का कोई ना कोई होता ही है, हमारे मम्मी पापा का भी आशीर्वाद है, हमारी फैमिली का भी, मेरी बीबी है, मेरे बच्चे सभी का बहुत सपोर्ट है मुझे। और सबसे पहली बात, संगीत जितना सीखो उतना ही कम है। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत मैंने क्लासिकल सीखा, एक दो साल सीखा था, फिर इसके बाद फिर मैं नागपुर आया तब मुझे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ये सब चीज़ें नहीं समझती थी, तो फिर मैंने इसका भी यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ सीखा और एक दो तो स्टूडियो है, पवन तिवारी भैया हैं उनके यहाँ स्टूडियो में भी जाके मैंने बहुत सारी चीज़ सीखा, उनने भी कभी भी कुछ रहा आज भी तो मैं फ़ोन करता था वो मुझे बिल्कुल बताते भाई ऐसा नहीं ऐसा कर ले, वो भी बहुत बहुत अच्छे इंसान है मेरे लिए हमेशा, वो भी तैयार रहते कुछ भी रहा तो चलो सीख लो ऐसा। और ज़िंदगी तो ऐसा है जितना भी सीखो उतना ही कम है, सीखते जाओ, म्यूज़िक में तो कोई सीमा नहीं है, करते जाओ सीखते जाओ और बिल्कुल एक लाइफ टाइम प्रोसेस है मेरे ख्याल से, कभी आदमी का सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, वो एक अच्छा लर्नर हमेशा ही होना चाहिए। मैं ये कहूँगा गाना बनाना, गाना गाना स्टूडियो के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और अभी सियाराम हमारे भाई साहब जो है वो लाइव शोज भी करते हैं, स्टेज शोज भी, और इन्होंने शुरुआत में ही कहा कि बड़ा चीज़ें बदल जाती हैं, आप जब स्टूडियो में काम कर रहे हो तो कुछ भी पहन के आए कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि आपका काम दिखता नहीं है, लोग उससे जज कर लेते हैं आपके काम से, लेकिन जब आप ऑन एयर मतलब मैं कहूँगा स्टेज पर जब आते हैं तो लोग आपको देखना जज करना शुरू कर दें, तो फिर कैसे क्या क्या बदलाव करना पड़ा होगा, सारी चीज़ें बदलनी पड़ी होगी फिर। सियाराम जो पहले कंपोजिंग किया करता था, माइक पे गाता करता था बंद स्टूडियो में, फिर वो स्टेज पे भी आने लगे तो फिर कैसे? एक तो सबसे बड़ी बात मैं इन 10 सालों में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो म्यूज़िक का ट्रेड है काफ़ी कुछ बदल चुका है। पहले का जो म्यूज़िक था उसमें पहले म्यूज़िक का एक इंट्रो बनता था फिर गाना शुरुआत होता था, आजकल आप देखेंगे कि चार सिर्फ शुरू की ऐसे 4 बीट या 8 बीट में एक ऐसी म्यूज़िक बनाना पड़ता है जिसमें आपका गाना शुरू में सुन के लोगों को ऐसा लगे यार आगे सुनना चाहिए, यदि आपकी शुरू ढेर सारा म्यूज़िक हो गया ऑर्केस्ट्रा बन गया तो आप वो सुनता ही नहीं है कोई आगे, तो आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, आप 3 मिनट में क्या दिखा सकते हो? वो गया ज़माना जब आपकी 5-5, 10-10 मिनट के गाने बनाते थे लोग बाग सुनते हैं, पर आजकल तो ऐसा कि भाई आप 3 मिनट या 4 मिनट बहुत हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में आप ऐसा गाना बना दो, उसमें भी ऐसे ऐसे शब्द लिख दो आप एक अंतरे में कि चार चार जो अंतरे में आप लिखते थे वो एक अंतरे में लिख लो और लोगों को समझ आ जाए। और आजकल वॉइस का टेक्सचर भी बहुत बदल गया है, पहले हमारे उदित नारायण जी, कुमार सानू जी का जो मेलोडियस जो स्टाइल था वो एक बहुत ही अलग था, भला आज भी उन्हें मानते हैं लोग बाग और आज भी वही गाने लोग बाग शो में गाते हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग बाग नए गाने गाते हैं, मैं भी गाता हूँ ऐसा नहीं, पर वो नए गाने, हाँ नए गाने कुछ दिन चलते हमारे 1-2 साल, इसके बाद पता नहीं वो कहीं फिर घूम जाते, पर आज भी जो 90s के हैं या फिर ओल्ड्स गाने हैं वो पहले भी चलते थे आज भी चलते, और मुझे लगता है जब तक ये दुनिया है वो उनके गाने तो चलना ही है, और नए भी अच्छे गाने गाने आते हैं ऐसे अरिजीत सिंह के हैं, जुबिन के हैं, और भी पलक के हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं और आगे भी आते जाएंगे, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भी बहुत जल्दी आप मेरे गाने भी आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाए और जल्दी हो पे आ जाए, ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक गाना मैं सुनाता हूँ आपको मेरे कंपोजिशन का, ऐसे तो मेरे बहुत सारे कंपोजिशन है, तो वही मैं सवाल पूछने वाला था कि इस 10 साल की जर्नी में आप खुद का ही गाना लिखने और गाने आए थे, तो अब तक कितने गाने लिख चुके हैं, कितने गा चुके हैं, थोड़ा वो भी बताइए, और फिर जैसे कि आपने बताया कि खुद ही का लिखा हुआ एक गाना भी हमको सुनाइए। वैसे तो मैंने अभी तक खुद की मेरी 100-150 कंपोजिशन मेरे पास रखी है, क्या बात, और ज़्यादा ही होंगी मैं ऐसा बोल नहीं सकता, और अभी इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो मुझे ऐसा हो जाता है कि किसी किसी का काम, भाई तेरे को कल ये शो है और आज तेरे को कोई गाना बना के देना, सिचुएशन रेडी, यस यस, तो मैं आई एम बिल्कुल रेडी, बस सामने वाला बोल दे ओके मैं बिल्कुल ओके हो जाता हूँ और मैं उसको गाना बना के बिल्कुल दे देता हूँ। और कंपोजिशन की बात रही तो यदि कोई चीज़ अच्छी राइटिंग है और मेरा ऐसा संगीत तो ऐसा कि आपका यदि मन है और लग गया तो 1 घंटा बहुत हो गया, 1 घंटा में आप गाना बिल्कुल लिख सकते हो और कंपोज कर सकते हो, तो मैंने ऐसे कई गाने हैं जो 1-1 घंटे में भी बनाया है, और उनमें से एक गाना आपको सुनाता हूँ जो मैंने शायद 1/2 घंटे में बनाया था और वही गाने से मेरी शुरुआत भी हो गई, चलो अभी अपने खुद के एल्बम भी बनाते हैं, तो मैं उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। जाने कहाँ उड़ चला आवारा सा मन मेरा, तेरे ख्यालों में खोया रहा, तेरे सवालों में उलझा रहा, मेरे दिल के कोने पे घर तेरा, ओ जाने कहाँ
उड़ चला आवारा सावन मेरा। तो मैं बता दूं, ये गाना सियाराम ने खुद लिखा है, खुद गाया है, खुद कंपोज किया और खुद ही पर फीचर भी जो है yes. वो भी किया है। तो मैं कहूँगा बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, कई सारे लोग गाना गाना चाहते हैं, एल्बम बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जो दिखते हैं इतना आसान होता नहीं, कई साल की मेहनत होती है। सियाराम की भी कम से कम 15-20 साल की मेहनत है तब जाके ये गाना आया है। तो बताओ यार इन्हें भी कि डिफ़िकल्टीज क्या क्या होती है। डिफ़िकल्ट तो ऐसा है कि म्यूज़िक में आप सबसे पहली बात तो एक गाना जब आपको बनाना है तो सबसे पहले एक बहुत प्यारे से लिरिक्स होना चाहिए। लिरिक्स ऐसे होना चाहिए कि कैची हो, लोगों को बहुत जल्दी शब्द समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा उठपटांग लिख दिए, लोग बाग शब्दों में ही उलझ गए कि बोले इसका अर्थ क्या होता है। तो शब्द आप इतने सिंपल लिखो, और सिंपल का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा सरल लिख दिए, सिंपल और शब्दों में थोड़ा सा एक वो होना चाहिए, बात भी होना चाहिए, मिठास होना चाहिए और थोड़े से यूनिक होना चाहिए। एक शब्द भी आपका यदि यूनिक है उसमें तो लोगों को घर कर जाता है वो, यदि आपके रेगुलर शब्द रहे तो वो लोगों को पसंद नहीं आते। तो कोशिश ये कीजिए कि वो शब्द और धुन धुन जितनी मिठास हो, ये डांस भी हो तो डांस में भी कुछ ऐसा नयापन हो जो लोगों को बिल्कुल समझ आ जाए। और ऐसे नई नई चीज़ें हैं जो आप बनाओगे तो लोगों को जल्दी समझ आएगा। और म्यूज़िक तो ऐसा मुझे लगता है जितना भी सीखो उतना ही कम है। और रही बात जो भी नए लोग बनाना चाहते हैं म्यूज़िक, तो म्यूज़िक बनाने से पहले मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा आप कि सबसे पहले म्यूज़िक को समझो, स्केल क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं। एक गाना जब बनता है तो पूरा स्केल में बनता है, और एक स्केल के अंदर आजकल तो इतनी सारी चीज़ें होती है कि हारमोनीज भी होती है, कॉन्ट्रा भी हो रहा है, आप एक स्केल ऊपर भी गा सकते हो, वही स्केल नीचे भी गा सकते हो। तो आजकल बहुत सारा संगीत में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो मुझे लगता है पहले सारी चीज़ यदि हम सीख लें और फिर कोई चीज़ बनाए तो वो चीज़ शायद बहुत ज़बरदस्त बनती है। और यदि आप सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं कि यार हम एक बीट पे शुरू हो जाते हैं, चलो गाना गा लेते हैं और कीबोर्ड बजा देते हैं, तो शायद वो चीज़ बने पर शायद उतनी अच्छी ना बन पाए। तो यदि आप ये सब चीज़ों को थोड़ा समझ लें और सीख लें तो वो चीज़ मुझे लगता है 101% सही होगी। और अगला सवाल मेरा ऐसा है, आपको रोकना चाहूँगा, हाल ही में एक गज़ल आपकी आई है और शुरुआत में ही हमने बात की कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे आई है। मैं चाहूँगा कि लोग तो उसे यूट्यूब पर या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं, और आज मौका है आप हमारे साथ, तो मैं चाहूँगा कि उसकी भी चार लाइनें आप ज़रूर सुना। बिल्कुल सुनाऊँगा मैं आपको ये गज़ल। एक्चुअली लिखा तो प्रदीप भैया ने, जो जिनके ये प्रोड्यूसर है, और मैंने सिर्फ इसे गाया है और म्यूज़िक और रिकॉर्डिंग मतलब तीनों चीज़ मैंने किया है। और मैंने उनको बोला भी था यार ये गज़ल शायद मेरा वॉइस गज़ल लाइक का नहीं है शायद, तो मैंने एक दो मेरे एक मुकुल है मेरे फ्रेंड, उनको उनसे गवाते हैं यस, उनको वो बहुत अच्छा गज़ल गाते हैं, फिर वो शायद उनका कहीं ना कहीं बिजी हो गए वो दूसरे काम में। तो मुझे एक दिन पहले उनको वो गज़ल देना था, उनका उस दिन शूट था ही, तो बोले यार अभी आप आपकी वॉइस से चाहिए, और उनको पता नहीं अंदर से इच्छा ही थी कि मैं ही करके दूँ। तो फिर वो गज़ल मैंने करके दिया और उनको बहुत पसंद आई, और वो गज़ल सुनने के बाद उनने मुझे और 4-5 गाने दे दिए। बोले सियाराम, बोले अभी तुमको तो रेगुलर मेरे लिए बहुत सारे गाने बनाना है। और पहले वो खुद भी गाते थे पर पता नहीं वो मेरे से गवाने के बाद बोलते मैं अब गाऊंगा ही नहीं गाना। बोले कभी गा लिया तो ठीक है गाऊंगा, ऐसा नहीं बोले उन्होंने नहीं गाऊंगा, बट बोले पहले तुम गाओ, बोले फिर मैं गाऊंगा। तो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है वो, उनकी 2 लाइन में गाऊंगा, बहुत अच्छा वो भी लिखते हैं। एक तो ही पास है मेरे सबसे ये दूर हुआ है, क्यों ये दिल इतना मजबूर हुआ। क्या बात है। और ये जो गज़ल हमारे सियाराम भाई ने सुनाई है, सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो है अवेलेबल है, गाना हो या फिर म्यूजिक हो, हर जगह पर और यूट्यूब पर भी जो है अवेलेबल है, सियाराम का खुद का यूट्यूब चैनल भी, तो वहाँ पर भी ये गज़ल आपको ज़रूर सुनने मिलेगी। खुद का कंपोजिशन है इनका। मैं ये कहूँगा हर इंसान का एक सपना होता है, एक मुकाम वो पाना चाहता है ज़िंदगी में, तो ऐसा आपका भी कोई सपना होगा, कोई मुकाम होगा तो ज़रूर बताइए, जिसके लिए हम कहें कि हमारी शुभेच्छाएँ। मेरा सपना तो बचपन से ही है कि मेरे जो गाने हैं वो मूवी में जाए, बॉलीवुड मूवी में। पता नहीं हमेशा जब भी मैं सुबह से उठता हूँ देखी चीज़ सोचता हूँ मेरा गाना कब बॉलीवुड में जाने वाला है। बस उसी कोशिश में हर गाने को मैं
बॉलीवुड के रूप से देखता हूँ और मेरे जितने भी गाने बनते हैं उसको मैं सोचता हूँ ये पूरा बॉलीवुड जैसा लगे, कहीं से ये ना लगे कि ये लोकल लगे या कुछ भी। ऐसा नहीं बोलता कि लोकल गाने अच्छे नहीं होते, पर मेरा जो ट्रेड है, मेरी जो इच्छा है वो पूरी की पूरी बॉलीवुड है। तो मैं राइटिंग का वर्क हो या जो भी हो, मेरे बहुत सारे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे मनोज मुंती सर हैं जो लिरिक्स राइटर हैं, उन्हें मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उनका राइटिंग वर्क मुझे बहुत पसंद है, मतलब उनका लिखने का तरीका, बोलने का तरीका। कोशिश करता हूँ कि उनके कुछ राइटिंग का वर्क मेरे अंदर भी घुस जाए, कि थोड़ा सा वो भी एक पन उसमें दिखे। वो हो गए समीर साहब को भी बहुत अच्छा लगता मुझे, वो छोटी चीज़ें लिखते हैं बट ऐसी चीज़ लिखते हैं कि डायरेक्टली आपको समझ आ जाए, तो वो चीज़ हम उनको भी है। बहुत सारे ऐसे नहीं बोलते, गुलजार साहब है, इतने सारे लिरिक्स राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर भी मुझे बहुत सारे फेवरेट है। ए आर रहमान साहब हो गए, या हमारे जतिन ललित जी हो गए, नदीम शिवड़ जी हो गए, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी हैं, और भी कितने सारे, और मेरे नए विशाल शेखर जी मेरे बहुत फेवरेट हैं। सबको मैं मतलब कोशिश करता हूँ, उनको मैं सुनते रहता हूँ कि यार मेरी चीज़ भी वैसी तो ना बने पर उनकी जैसी, उनसे थोड़ी हटके पर उस लायक बन सके, कि लोगों को लगे कि यार इसके काम भी थोड़े थोड़े वैसे तो लग रहे हैं। क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं जो सपना आप रोज सुबह, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई भी मैं कहूँगा, जो सपना आप रोज रात को देखते हैं और सुबह उठकर चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो हम भी यही चाहेंगे बीकेबी परिवार की तरफ से वो सपना जो है आपका पूरा हो। और आपने शॉर्ट नोटिस पर आए हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपका बहुत सारा धन्यवाद है, शुक्रिया है कि आपने मुझे याद किया, और जब आपका दो बार मुझे फ़ोन भी आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और कि कोई है नागपुर में जो यहाँ के आर्टिस्टों के लिए सोचता है, और सोचना भी चाहिए। जैसे ये जनरली ऐसी है कि जब तक कोई आपको पीछे से ढकेलेगा नहीं, या जब तक आपका कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा, या आपको कोई नेटवर्क आपका उसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो शायद मुझे नहीं लगता वो बेचारा आगे जा सकता। कोई भी हो, मैं हूँ, आपको भी किसी ने सपोर्ट किया है, मुझे भी कोई सपोर्ट करता है। और एक लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरे जितने भी सारे क्लाइंट हैं उनका भी बहुत सारा शुक्रिया, उन्होंने भी बहुत सारा मुझे काम दिया है। कभी कभी ये समझ के किसी आराम तू कर सकते ही नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने दिया है और मैंने किया है, और थोड़ी बहुत कभी कभी 19-20 भी हुआ तो उन्होंने मैनेज किया है, उनका भी बहुत सारा शुक्रिया। नाम अब एक एक ले नहीं सकते, इतने सारे क्लाइंट हैं हमारे भी, सभी का भी दिल से धन्यवाद है, और आगे भी हम लोगों को ऐसे प्यार दो, हम आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं। तो चलिए, ये तो थे सियाराम जिनसे आज हमने ढेर सारी बात की। अगर आपको लगता है आप भी है कलाकार, आप में हुनर है और आप बहुत अच्छा काम करते हो और आपका काम लोगों तक पहुंचे, तो मैं इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों जगह मौजूद हूँ, अमोल अरुण शिंदे सर्च करिए, आप मुझे DM कर सकते हैं और हम भी आपको फीचर करेंगे सियाराम की तरह ही हमारे देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन अगर आप ये प्रोग्राम फेसबुक या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप GTPL या फिर ACN केबल नेटवर्क पर देख रहे हैं तो हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों जगह अवेलेबल है, तो आप हमें वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे खास बात खुद का ध्यान रखिए। देसी कलाकार।